17 सितंबर 2011। मदन लाल शर्मा एमपी जम्मू, यशपाल कुंडल एमएलए सांभा, मुबारक सिंह डिप्टी कमिश्नर सांभा, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जे इनके स्टेट ब्रांच जम्मू। ये पब्लिक टॉयलेट कम्प्लेक्स है चीची माता मंदिर के बाहर। इस स्टोन को जहां लगाया गया है, ज़रा इसकी हालत देखिए। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई इम्पॉर्टेंट किसी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का दफ्तर नहीं है, बल्कि एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसी चीची माता मंदिर परिसर में बनाए गए इस पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के बाहर भी स्टोन लगाना ज़रूरी है। ये स्टोन तो रमन भल्ला का है। आइए आपको अब दूसरी तरफ दिखाते हैं, एक और स्टोन लगा हुआ है। ये इस मंदिर के बाहर का के दृश्य हैं। एक धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल पर ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। ये आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जो इस धार्मिक स्थल के बाहर है। अब आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं, आइए। ये दूसरी तरफ एक और स्टोन लगा है। ये यशपाल कुंडल एमएलए सांभा, मुबारक सिंह की मौजूदगी में ये वाला सैनिटरी कॉम्प्लेक्स इसी चीची माता के मंदिर परिसर इसी के प्रांगण में बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 13/6/2012 को इसको इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान से आप ज़रा इस कॉम्प्लेक्स को भी देखिएगा और फिर ज़रा मन में ये विचार लाइए कि आखिरकार क्या वजह है कि हमारे नेता लोग कोई भी जगह हो वहाँ अपना पत्थर लगाए बगैर और अपना नाम उस पत्थर के ऊपर लिखवाए बगैर रहते क्यों नहीं। और ये जो स्टोन यहाँ पर लगा हुआ है, कभी पूछेगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इसके पैसे क्या उस समय के एमएलए साहब ने अपनी जेब से या मंत्री उस समय के रमन भल्ला उनकी जेब से गए। जवाब मिले तो ज़रूर लिखिएगा।